मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। किसी बात को लेकर एक खूनी वारदात हो गया और जिसमें दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल युवकों के नाम मतीउल्लाह और अतीक बताया जा रहा है। दोनों ने बताया है कि करीब 6 से 7 लोगों ने उन पर यह जानलेवा हमला किया है और हमलावरों के हाथ में धारदार हथियार थे जिनसे इन दोनों पर हमला किया गया है। इस हमले में दोनों युवक पूरी तरह से घायल हो गए हैं। ये पूरा मामला मुंबई के घाटकोपर के अशोक नगर का है। पुलिस में भी इस हमले के संबंध में शिकायत की गई है। दोनों घायल युवकों ने इस हमले को लेकर क्या कुछ जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अतीक रहमतुल्लाह सिंह। जो है आपके ऊपर और आपके एक साथी पर हमला हुआ है, वो क्या मामला था और क्यों मारा गया? कैसा हुआ, एक्चुअली मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त है। वो दोनों का झगड़ा हो रहा था, मैंने छुड़ाने गया, तीसरा बंदा आया, मेरे पीट पे ब्लेड मुझको मार दिया। तो बोलता मेरा लखू दोस्त है, ये दोस्त है, चौकी मेरा जेब में रखता हूँ। मतलब एक्चुअली कुछ भी गंदे भाई, तब तक उसका दोस्त जो मेरे को बोला ना मेरा दोस्त है, वो मेरे को यहाँ पे गर्दन में मेरे को ब्लेड मार दिया। ये मामला किस वजह से शुरू हुआ था? वो पहले कोई कुछ त्यौहार था, त्यौहार के चक्कर में कुछ झगड़ा हुआ था। अच्छा, आपको उतना नहीं पता। कितने लोगों ने आप पर हमला किया? 6 लोग। 6 लोग है। लोगों का मामला दर्ज है? लखू है, सलाऊ है, सजाद है, अल्ताफ है और एक जन कोई नाम याद नहीं आ रहा उसका। तो पुलिस प्रशासन के पास आप आए हो, क्या मामला दर्ज हुआ है? क्या अभी कुछ फैसला हुआ ना, अंदर जाएंगे तो बात मालूम पड़ेगा सर। अच्छा, कितने लोगों को पकड़ के लाया गया है? अभी तो दो लोगों को पकड़ लाया गया शायद, सलाह हुआ और सजात को, सजात ने मुझे मारा है। को कहाँ पर हुई है ये पूरी मामला? अशोक नगर अपना राठौर मेडिकल के पास। राठौर मेडिकल। तो ये जो है ये इन लोगों का कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आपको पता है कुछ? नहीं, उसके बारे में आइडिया नहीं। तो आप उन लोगों को जानते हो पहले से? हाँ, पहले से जानते हैं। आपका कुछ पुराना लोगों से झगड़ा? नहीं, हमारा कोई कुछ दुश्मनी नहीं है भाई। पुलिस के आला अधिकारियों से क्या मांग रही है आपको? मांग यही है कड़ी से कड़ी सजा मिला जाए इन लोगों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मतीउल्लाह है। कहाँ रहते हो और ये घटना क्या हुई है? ये अशोक नगर में रहता हूँ अब्दुल भाई। मैं आया था, काम से बैठा था, तो मेरे को ना आए ना जितने लोग 6-7 जन थे, मेरे को आए मारने लगे, रोड से मारे, फिर सामान निकाले, सामान से मारने लगे नाक का, फिर मैं बैठ गया, फिर मेरे को मारते हो, फिर इधर ऐसा खत्म करने का मेरे को पूरी तैयारी की थी। किसने मारा है? ये थे इन लोग 4 जन को अपन जानते हैं, 5 जन का नाम, एक का लखू, पुलिस वारिस नाम है, सलाव नाम है, सजाद नाम है और एक और है जिसका नाम अल्ताफ है। 2 जन को मैं नहीं जानता भाई। तो उन लोगों से आपका कोई पुराना विवाद था? कुछ पुराना कुछ नहीं था भाई, बस मैं आके बैठा था, पता नहीं काहे के लिए मेरे को मारते हो, खत्म करने की तैयारी किए थे भाई। अच्छा, क्या क्या हथियारों से आपका हमला किया? ये इतने बड़े बड़े लोग के पास थे, उससे मारे और रोड था 2-3, उससे मारे भाई। अच्छा, तो पुलिस में आपने मामला दर्ज कराया है? पुलिस में अभी, पुलिस पहले मेरे को राजाबाड़ी बोले था, फिर राजाबाड़ी से फिर बुलाया गया। अच्छा, ये जो लोग आपको मारे, इन लोगों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है वहाँ पे? हाँ है भाई, ये लोग परेशान करते हैं और सबको तंग करते हैं और मतलब पैसे नशा करके सबको आके धमकाते भाई, और इसीलिए अपन बोलने गए तो अपने को पीछे हमला कर दिया अपने ऊपर। अच्छा, बात ऐसे निकल करके आ रही है कि बैनर को फाड़ने पर जो है आप के ऊपर हमला किया गया है? बैनर पे फाड़ने की बात नहीं है अफजल भाई, मैं आके डायरेक्ट काम पे बैठा ना, वो भागते भागते सब आए, सीधा ऐसा उठाए मेरे को, ऐसा रोड से मारना स्टार्ट कर दिया। आप उन सभी को जानते हो? हाँ, मैं इन लोगों का चेहरा जानता हूँ भाई। तो वो लोग वहीं के रहने वाले? हाँ भाई, वो इधर ही के हैं। तो पुलिस प्रशासन से क्या अपील रही है आपकी? पुलिस की मेरे के साथ इंसाफ होनी चाहिए भाई यार, कि आज मैं हूँ कि कल कोई दूसरा रहेगा। तो कितना टाका है आपको? मेरे को लगा है 8-9 टाका भाई। ठीक है।